हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन जसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे GTBIT दिल्ली गुरु टेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बारे में। तो इस वीडियो में हम इसकी फीस, प्लेसमेंट, कट ऑफ, कैंपस फैसिलिटीज, इस कॉलेज के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो यार वीडियो को कम्प्लीट देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेम है कॉलेज का, वो है गुरु टेक बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑल्सो नोन एज GTBIT दिल्ली। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, टायर 3 कॉलेज है। कोर्स ऑफर करता है ये BTech। कैंपस साइज की बात करें तो 5 एकड़ का इसका कैंपस है। लोकेशन की बात करें तो GATE एरिया, प्रेस कॉलोनी, रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली 110064। एफिलेटेड है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जिसे हम IPU भी कहते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो 55% आपको PCM में चाहिए क्लास 12 के अंदर, और आपको हर सब्जेक्ट में अलग से पास भी होना पड़ेगा। इंग्लिश में भी आप पास होना पड़ेगा, आपको JEE Main देना पड़ेगा और IPU की काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगी, मेडिकल केयर मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, लैबोरेटरीज मिल जाएंगी, लैब मिल जाएंगी यहाँ पे, अच्छे अच्छे वाईफाई की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको, वेल मेंटेन क्लासरूम मिलेगा आपको यहाँ पर। फीस और स्कॉलरशिप की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 1,08,000 है, एंड देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपकी फीस रहेगी 1,03,000। टोटल फीस जो आ जाती है फोर्थ ईयर की वो आ जाएगी आपकी 4,17,000। स्कॉलरशिप की बात करें जो मेन स्कॉलरशिप है वो है दिल्ली गवर्नमेंट मेरिट का, मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यार अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कंपनीज़ की बात करें जो मेजर कंपनियाँ हैं वो अमेजोन, इन्फोसिस, एसेंशियर, बुक माई शो, IBM, पेटीएम, TCS, सैमसंग, विप्रो, कोग्निजेंट, नेट टेक्नोलॉजीज, SCL एंड मैनी मोर। और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, लेकिन मैंने आपको मेजर कंपनीज़ बता दी। प्लेसमेंट की बात करते हैं यार तो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर करा था यहाँ पे अमेजोन ने ऑफर करा था वो था 18 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज की बात करते तो वो 3.5 से लेकर 4.5 लाख पर एनम तक रहता है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट की बात करें जो वो CSIT में ज़्यादा प्लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांच। CSIT में 80% बच्चे प्लेस होते हैं, EC में 62-65% बच्चे प्लेस होते हैं, और यार ये परसेंटेज और भी कम हो जाता है इसकी अदर ब्रांचेस के लिए। ब्रांचेस एंड सीट मैट्रिक्स एंड लास्ट राउंड कट ऑफ की बात करते हैं अब। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 120 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120 सीट है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। तो शिफ्ट वन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम रैंक है 39,336 एंड मैक्सिमम रैंक है 95,773। ऐसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 99,869 एंड देन मैक्सिमम रैंक है 4,17,466। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देख सकते हैं आप। तो यार आप इसे देख लेना वीडियो को पॉज करके। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं जो मिनिमम रैंक है वो 92,892 है और जो मैक्सिमम रैंक है वो है 1,04,904। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की देख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देख सकते हैं। तो यार आप इसको देख लेना आराम से वीडियो को पॉज करके। तो हम आगे चलते हैं अब, तो बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। जो फर्स्ट पॉइंट आता है यार वो कैंटीन यहाँ की अच्छी है और खाना भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यार कॉलेज में यार आपको पंजाबी कल्चर देखने को मिलेगा, बिकॉज जो मोस्टली जो स्टूडेंट है वो सिख कम्युनिटी के हैं यहाँ पर।
तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अटेंडेंस नॉट सो मच इशू, लेकिन आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी एटलीस्ट 75% प्लेसमेंट में बैठने के लिए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हो यार, जो प्लेसेज आपको यहाँ पे आसपास अच्छे मिल जाएंगे हैंगआउट के लिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हो यार, आपको यहाँ पे मैनी सोसाइटी मिल जाएंगी, जैसे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, कोडिंग और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटीज़ आपको मिल जाएंगी। और एक कॉलेज में यार अच्छे अच्छे फेस्ट भी होते रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हो यार, लाइब्रेरी यहाँ पर अच्छी है, बहुत सारी बुकें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फैकल्टी की बात करें तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग यहाँ पर अच्छी है, और जितने भी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर वो वेल क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी इंटरेक्टिव है एंड सपोर्टिव भी है, तो यार फैकल्टी यहाँ पर अच्छी है। वैल्यू फॉर मनी की बात करते हो यार, टोटल फीस आप 4.1 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, और रिटर्न के तौर पर कॉलेज आपको दे रहा है 3.5 से लेकर 4.5 लाख का एवरेज पैकेज, जो कि अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ सम गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली, तो यार ये कुछ अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में आता है दिल्ली के अंदर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यार ये कॉलेज अच्छा है, मोस्ट ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यार आपके पास एक एडवांटेज आएगी दिल्ली से बीटेक करने की। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यार कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा लगता है यार, तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है दिल्ली स्टूडेंट के लिए, तो यार जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट है उनको फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर एडमिशन में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यार कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो स्पेशली जो दिल्ली में रहता है यार, और कॉलेज के पास यार अच्छा एलुमनी नेटवर्क भी है यहाँ पर। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यार फर्स्ट पॉइंट यार यही आता है, कैंपस साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, कैंपस साइज़ यहाँ पर बहुत छोटा है, अमेजोन यहाँ पर यार हर साल नहीं आती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यार कॉलेज यार कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यार कॉलेज यार बीच में 2-3 साल पहले बंद हो गया था, जिसकी वजह से यार कॉलेज की रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, जो इसका इफेक्ट है वो प्लेसमेंट में भी हुआ है यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कॉलेज यार कोई भी मैनेजमेंट एक्सपोजर आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है। अब यार बात करते हैं कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं। यार मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यार आपको अगर आपको टॉप कॉलेज जैसे IITs, NITs, IIITs और टॉप GFTIs इन इंडिया एंड सम स्टेट टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइक DTU, NSUT आपको नहीं मिल पा रहे हैं, और आपको यार IPU के टॉप कॉलेज भी नहीं मिल रहे हैं, तो और आप BTech दिल्ली से ही करना चाहते हो, तो यार ये कॉलेज आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यार प्लेसमेंट, वैल्यू फॉर मनी, कॉलेज लाइफ, फीस स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज़ ओवरऑल इज़ गुड एंड कॉलेज इज़ डेफिनेटली वर्थ इट फॉर यू। अकॉर्डिंग टू मी यार ये कॉलेज आपके लिए डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में।